तो आइए दोस्तों, सुबह का जो टेस्ट वन हुआ था आपका, टेस्ट वन का मैं सोल्यूशन मैं आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ऐसा नहीं कि हमें 16 का नहीं बनना है तो 16 ही देखेंगे दोस्त। जितना देखेंगे कॉन्फिडेंस आपका ही बढ़ेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि 60 का 15%, यही था ना, 60 का 15%। तो देखिए, 20 60, अब 20 25 100, इसको काट दीजिएगा 3, तो 9 आ जाएगा। संख्या क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, संख्या का 35% 91 है, यही है ना, पहला हो गया। दूसरा बोल रहा था संख्या का 35% 91 है, तो काट दीजिए 5 से 7 बार में, 5 से काटिएगा तो 20 बार में, और इस 13 बार में कट जाएगा ना, 13 7 91, जब इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 13 दूनी 26, संख्या क्या आ जाएगा, 260। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किसी संख्या का 32% 56 है ना, किसी संख्या का 32% कितना है, 56 है, तो 4 8 है 4 25, इसको काट दीजिए, 8 7 56 25 7 कितना होता है, 175, तो संख्या क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो किन्हीं को परेशानी, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अगर समझ चुके होंगे तो नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या का 25% ना, संख्या का 25% 80 है, यही ना, तो इसको काट दीजिए 4, तो संख्या क्या आ जाएगा, 320, 320 ही ना आएगा। तो चलिए, चारों आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं, यदि व्यापारी कुल वेतन 6,500 रुपया देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा। देखिए दोस्त, 65 10 65 और 25, टोटल तो 100% हो गया, ठीक है ना, और व्यापारी कुल 6,500 रुपया देता है किस पर, तो विपणन को कितना खर्च होगा। तो जब 6,500 रुपया देगा ना बटे 65, अब विपणन का क्या है, 10%, इसको काट दीजिएगा, वो 65,000 है ना, एक बार में, तो कितना आ जाएगा आपका, 1,000 है, जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 10,000 आ जाएगा क्या, तो उसका विपणन पर खर्चा कितना हुआ, तो 10,000। अगर बोलता कि कच्चे माल पर कितना खर्च होता, तो 25,000 होता ना। तो आशा कर रहा हूँ समझ चुके होंगे, क्योंकि 65,000 रुपया व्यापारी दे रहा है, ठीक है ना, अब वेतन पर 65%, यानी वेतन ही नहीं दे रहा है, इसमें वो खर्चा करते हुए कितना दिया उसको, टोटल कुल दिया 10,000 रुपया। तो चलिए, समझ चुके होंगे, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या। तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ दोस्त, कि जब भी प्रत्याशी होता है तो दो रहता है व्यक्ति, एक से कभी भी चुनाव होगा क्या, जब भी चुनाव लड़ता है तो दो पार्टी होता ही है, कम से कम दो होता है, नहीं तो अधिक भी हो जाता है क्या, तो दो पार्टी है, तो एक लाया 40%, तो दूसरा क्या लाया, 60%, है ना। तो बोल रहा है कि वो 40% लाने के बावजूद भी हार गया 100 मतों से, तो देखिए कितना से हारा, 20% से हारा, यही ना, इंटू सॉरी बराबर 100 है, 100 मतों से हारा, इसको काट दीजिए तो 5 बार में, क्योंकि एक का 20% लाया बराबर 100 मत लाया, लेकिन वो हार चुका, कितना से हारा, तो 20 से हारा। मैं आप लोग का ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, तो कुल कितना आ जाएगा, 500। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को, जो भी चैप्टर का पढ़ाई होता है, आप उसे देखें और समझें, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये जितना चैप्टर पढ़ाया था आप लोग के कॉन्फिडेंस के लिए, जिस तरह एग्जाम में जाते हैं उस तरह का है, मैं डेमो दिया था, और आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी मैं तैयार करके दूंगा, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहे, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। एक विद्यालय में लड़कों का 10% और लड़कियों की संख्या
एक बटे चार के बराबर है। कह रहा है कि लड़का का कितना है दोस्त, एक लड़का है एक लड़की है, लड़का का है 10%, है ना, 10% मतलब 100, 1 जीरो 1/10 ही आएगा। लड़की का कितना है, 1/4 है। तो मैं अनुपात अनुपात में जब बताया था कि जी इसका ई आ जाएगा और इसका जी का 4 आ जाएगा, इसको काट दीजिए 5, इसको काट दीजिए 2, यही आपका अनुपात आ जाएगा। अगर डाउट है, बहुत लड़के लोग कमेंट करते हैं कि सर जो भी चैप्टर है चैप्टर बाय चैप्टर ही दम शुरू से दम अंत तक पढ़ा दीजिए। मैं समय को सोचता हूँ कि बचत करते हुए टाइप को बता दें ताकि आप लोग से सब बन जाएगा। तो आप लोग ऐसा चाहते हैं, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा मैं आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोग जिस तरह बोलेंगे उस तरह मैं पढ़ाते रहूँगा। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगा? 10, 10, 20, 21% होगा। कैसे कि पहले 10% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, तो प्लस 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 ही ना होगा। 10 × 10 100, 1 जीरो काट दीजिए 20 हो गया, एक कितना आ जाएगा 21%। मैं सारा आप लोग पे पढ़ा चुका हूँ टाइप में ही, इससे ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो सभी आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलिए, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करनी जरूरी है। अच्छा, मतलब ये बॉन्ड होगी आपके लिए कि 38% अंक प्राप्त करना ही होगा, ठीक है ना? तो 45 अंकों में उत्तीर्णांक क्या है, ठीक है? तो 45% का 38%, यही ना होगा? तब जब गुना कीजिएगा ये दोनों को तो कितना जाएगा, 17, 10। जब भी दोस्त बताए हैं कि क्या है 100 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, अगर 10 से भाग देते तो यहाँ 171 नहीं होता, तो कितना आ जाएगा, 17.1 अगर लाते हैं तभी आप पास होंगे, अथवा उससे कम लाएंगे तो फेल हो जाइएगा। तो एक बॉन्ड हो गया कि 38% आपको लाना ही है, ठीक है ना? तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्त, महिला जो है अगर 100 का 40% करेगा तो 40 ही होगा ना, अगर पुरुष मैन जो है 100 का 60% करेगा तो 60 ही होगा। क्या महिला 40 होगा और पुरुष 60 ही होगा? तो बोल क्या रहा है, 40 का महिला जो है 40% कर्मचारी है, तो महिला जो है 40% कर्मचारी है तो 40 का 40% और पुरुष 60% बचेगा ना, तो 60 का 60%, अभी 2 जीरो काट दीजिए, 4×16 = 36 जोड़िएगा तो 52%। क्या समझे कि नहीं? अरे भाई, महिला जो है 40% वोट दिया, पुरुष 60% देगा, कोई भी मान ली एक ही को दिया हुआ कि महिला 40% दिया, तो जब वो 40% दिया तो पुरुष तो 60% देगा, या पुरुष को बोल देगा कि 60% दिया तो महिला तो 40% देगा ना, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, तो जब 40% कर्मचारी महिला है तो 60% पुरुष ही ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसका बचत खपत 20% बढ़ जाए? देखिए दोस्त, सेम तो है, 25% वृद्धि कर रहा है, फिर 20% वृद्धि, प्लस 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 ही होगा, तो 25 × 20 बाई 100, 25 को काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 5, 45 हो जाएगा, अब प्लस 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 50%। क्या चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसका खपत 20% बढ़ जाए, ठीक है ना? तो कम करेगा तभी तो बढ़ेगा। तो चलिए 50% आ गया, किस तरह निकलता है आप लोग कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए। लॉन्ग प्रोसेस बनाने से आपका समय खा जाएगा, पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन ही बना के आए, बाकी सारा क्वेश्चन जानते हुए छूट जाएगा।
तो चलिए 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का 40%, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी। तो मैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन दो टाइप से बता चुका था, वेन डायग्राम से, दोनों क्या है 40% पहले लिख देंगे, और ये एक हिस्ट्री है और ये एक SST जिसको सामाजिक विज्ञान बोला जाता है ना। तो 65% है तो ये 25% ना बचेगा, ये दोनों ये पूरा ना होता है। SST का जो है ये आपका पूरा है, ये हिस्ट्री का ले लेगा पूरा, और ये जो होता है ये दोनों का होता है ना। तो दोनों में क्या है उत्तीर्ण होने वाला 40% और SST में 65%, तो 65 हो जाएगा ना, और हिस्ट्री में क्या है 60%, तो 20% हो जाएगा, ये दोनों मिला के हुआ ना 60, क्यों। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों जो है पास ही कर रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, तो 60 कितना होगा, यानी उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितना हो जाएगा 85, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण 15%। जब पास हो रहा 85%, तो फेल कितना होगा 15%, तो 15% को ऐसे भी तो हम लोग लिखते हैं 15/100, 15% का मतलब क्या हुआ ऐसे। और क्या बोल रहा है, जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, तो क्या है 15% तो दोनों में ही ना हुआ है अनुत्तीर्ण, तो 90 = 90, तो 15 × 90, तो कितना आ जाएगा 100 = 600, यही ना, कुल कितना आ जाएगा 600 अंक आ जाएगा, जिसमें से 15% फेल हो गया, 85% पास हो गया। तो मैं सारा आप लोग को बता चुका था, लेकिन मैं आप लोग को डेमो दिया था, आप लोग डेमो ही देखे और सोचे कि परिपूर्ण हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके वो हासिल होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा के कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया। पहला चीज कि 38 में से 3 अनुपस्थित, तो बचा कितना 35% उपस्थित, यही ना। जब 38 में से 3 गायब हो गया, आईबे नहीं किया, तो आया कितना 35 को ही ना। उसमें भी क्या किया कि 20% अपना गृह कार्य नहीं किया, तो किया कितना 80%, 20 × 100 = 80 या 20 × 100, 5 × 7 = 35, कितना किया 28, 35 में से 28 ने अपना अपना काम किया, बाकी 7 गो तो इसमें से कर भी नहीं किया, नहीं 28 और 7 = 35 ना है कुल, 3 गो अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित तो 35 गो है ना। तो आशा कर रहा हूँ कि पूरी तरह आपको दिमाग में समझ में आ चुका होगा। 14, एक संख्या का 59% 8791 हो, तो उस संख्या का 43% कितना होगा। संख्या का 8791 है, ठीक है ना, इसका 43% कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्त इसको इसको काटिएगा, तो आपका 149 आ जाएगा, काट कर देख लीजिएगा, और जब इसको गुना कीजिएगा 149 क्रॉस गुना क्या हो जाएगा 0, इसका 43% कितना होगा, यही तो कह रहा है। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6407, यानी 6407 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से बना है, बहुत न्यू स्टूडेंट लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा कठिनाई होती है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो 0 लेवल का है उनको भी मैं हीरो बना दूँ, उनको क्यों छोड़ूँ, उनको भी साथ साथ लेकर चल दूँ। 1200 का 5/8 यही दिया हुआ है ना, का 74% कितना होगा, का 74% कितना होगा, एक दो जीरो काट दीजिए, आई काट दीजिए 4 × 2 = 4 इसको काट दीजिए, तो 37 और 5 × 15 और 37 को गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको 555, 555, ठीक है। 16 नंबर, एक संख्या का 33% 100 है, तो मूल संख्या क्या होगा। 33% मतलब 1/3 आ जाएगा उसका, 100 क्या हो जाएगा 300,
एक बटे तीन बराबर 100, जब क्रॉस गुना करिएगा तो 300 ना आएगा, ये सब तो मुंह में बनेगा जी। चलिए, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है? 17 नंबर, किसी संख्या का 76% 95 है। 1900 को 76, 1950 95, इसको काट दीजिए, 4 25, अब 25 25, सो गुना क्रॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 25 125। नेक्स्ट 18 का, किसी संख्या का 25/3% 150 है। 18 का किसी संख्या का 25/300 बराबर 150 है, इसको काट दीजिए, 25 6 जब क्रॉस गुना करिएगा तो 1800। ठीक है, उन्नीस नंबर बोल रहा है, पांच अनिवार्य विषय में एक विद्यार्थी ने 60% और 7 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है ना, 60% औसत, अच्छा औसत अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो औसत अंक है 5 गो का, तो क्या करेंगे 60 को, क्योंकि 100 का 60% 60 ही ना होगा, तो 5 × 60 कर देंगे, 6 5 300 आ जाएगा, 300 अंक प्राप्त किए। तो दो वैकल्पिक विषय में आने विषय में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, तो दो वैकल्पिक मतलब 5 × 2 7 गो हो जाएगा प्राप्त किया, और इन विषयों के अंक जुड़ने पर उनका औसत 4% गिर जाता है। ठीक है ना, तो 60 में 4% गिर जाएगा, तो 5 × 2 कितना होगा 7, और 4% गिर जाएगा तो 56 में 4 घटा दीजिए, सॉरी 60 में 4 तो कितना हो जाएगा 56, तो 7 6 42 और 35 4 392, तो अंतर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 92, और दो दो ही को अधिक हो रहा है ना, क्या बोल रहा है? तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए, प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितना अंक दिया 392, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 46%। 20 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1605 का 4/5, 1605 का 4/5 प्लस 50 180 का 30%, अच्छा बराबर उधर पहले इतना कर दीजिए ना, इसको काट दीजिए, 5 15 5 10, इसको काट दीजिए 1 0, जब 3 से कट दिया 3 8 24, 1524, अभी दोनों जोड़ दीजिएगा कितना हो गया, 4 4 × 8, 4 12 15 24 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 28, ये 0 7 1 8 2 2800, इधर क्या दिया हुआ था बराबर 65, 89 माइनस व्हाट, तो इधर आ जाएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा 65 89 माइनस 28 08, जब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 37 81। तो सारा क्लियर मैं कर दिया, अब चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा वो लेटेस्ट आपको मिलते रहेगा।